नमस्कार, आप सभी का द नगरी न्यूज में स्वागत है और मैं हूं प्रियंका। आपको वो वीडियो तो याद होगा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, मणिपुर का वो वीडियो जिसने पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब कर दी। राजनीतिक गलियारों में उन दो महिलाओं का मुद्दा बार बार उठता रहा। मणिपुर की उन दो कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाती भीड़ का चेहरा आपको याद होगा। निश्चित रूप से उसे कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि मतई लोगों के गुस्से का प्रतिफल था। वो ये क्रूरता थी, नफरत थी, लेकिन प्रतिफल नहीं था। ये विक्षिप्त मानसिकता थी और सत्य भी ये है कि किसी ने भी इस तरह का तर्क नहीं दिया। यहाँ तक कि मतई लोगों के संगठनों ने भी इस तरह की बात नहीं की। पर आश्चर्य होता है कि उन लोगों पर जिन्होंने उन दो मणिपुरी औरतों के लिए आंसू बहाए थे, काफी संवेदनाएं व्यक्त की थी, अब उन्हें इसराइल की औरतों और बच्चों के साथ हो रहे वहशीपन में कुछ भी काला नजर नहीं आया। उल्टा हमास के दरिंदों के पक्ष में तर्क ढूंढ लाए कि ये तो इसराइल के अत्याचार का प्रतिफल था। दरअसल इन लोगों की आंख पर पर्दे इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि कुकी महिलाओं के साथ जो हुआ उसे मतई लोग कह रहे थे जो हिंदू हैं, बहुसंख्यक हैं, इसलिए वो अत्याचार कर रहे थे। उन लोगों को लगता है कि अल्पसंख्यक अत्याचार नहीं करते, अगर कभी उनसे कुछ गलत हो जाता है तो वो केवल अपने ऊपर हुए अत्याचार का प्रतिफल होता है। यही कारण है कि बॉलीवुड अभिनेत्री गौहर खान, स्वरा भास्कर और पत्रकार सबा नकवी, साइमा आदि को महिला होते हुए भी इसराइल में महिलाओं और बच्चों के साथ वहशीपन समाने लग रहा है। जिस तरह का क्रूरतम हमला कुख्यात आतंकी संगठन हमास ने इसराइल की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर किया, वैसा ही अगर अश्वेतों, दलितों, आदिवासियों या भारत के अल्पसंख्यकों पर होता तो ये तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स किस तरह हल्ला करते, ये देखने वाला होता। पर इसराइल में सबको आतंकियों का ये वहशीपन नहीं दिख रहा, दिख रहा है केवल इसराइल द्वारा किए गए अत्याचार। गौहर खान लिखती हैं कि दमन करने वाला पीड़ित कब से हो गया, दुनिया के लिए बहुत सुविधाजनक दृष्टि है और इतने वर्षों के दमन से आंखें मूंद लेना। सबा नकवी को आतंकियों की करतूत नहीं दिखाई दी, पर इसराइल का गाजा पट्टी पर बदला दिख गया। वे लिखती हैं कि आंख के बदले आंख से तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। स्वरा भास्कर दो दिन पहले एक्स यानी कि ट्विटर पर खुद को कुछ नहीं लिखा, पर हमास के कसीदे पढ़ने वाले लोगों के ट्वीट को रिपोस्ट किया। हालांकि इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार कर दिया। उन्होंने लिखा कि यदि आपको तब तक बुरा नहीं लगा जब इसराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया, तब इसराइलियों ने फिलिस्तीनियों के घर दबा किए और बच्चों और किशोरों को नहीं बख्शा और 10 साल तक लगातार गाजा पर हमला किया, तो मुझे इसराइल पर शौक मना रहे लोगों का ये कृत्य पाखंड भरा लगता है। रेडियो जॉकी साइमा ने खुद तो कुछ नहीं लिखा, पर कांग्रेस के मेंबर और इतिहासकार अशोक पांडे के एक जहर भरे ट्वीट को रिपोस्ट करके उन्होंने अपने पुराने अंदाज को बरकरार रखा। सैकड़ों बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को बर्बरता के साथ खत्म करने के बाद जिस तरह हमास के दरिंदों ने जर्मन युवती शानी लॉक के निर्वस्त्र शव को गाजा में घुमाया और उस पर थूका, लेकिन भारत के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उस खौफनाक कृत्य पर पर्दा डालने का काम किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।